प्रदेश को भ्रष्टाचार और कुप्रशासन से मुक्त बनाने हेतु लोक आयुक्त प्रशासन की 4 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में जनमानस के मंत्री, विधायक एवं लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों को सुनते हुए उसके निस्तारण का निर्देश दिया। इस मौके पर लोक आयुक्त प्रशासन के अन्वेषण अधिकारी कमर मजीद, समीक्षा अधिकारी श्वेताक्ष मिश्रा, सहायक समीक्षा अधिकारी अंकित अग्रवाल एवं अनिल कुमार मौजूद रहे। शुक्रवार को कुल 90 शिकायतें दर्ज कराई गईं, जिसका निस्तारण लोकायुक्त कार्यालय से किया जाएगा। सर्किट हाउस में शिकायत दर्ज कराने आए लोगों ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके निस्तारण की उम्मीद लोक प्रशासन टीम से है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक समीक्षा अधिकारी अंकित अग्रवाल ने बताया। उनको भारत सरकार इनको तीन तीन पत्र मैंने लिखा, तीन तीन लेटर लिखा कि भाई इसकी आप जो है जांच कराइए और ये मुआवजा पर आप पेमेंट कराइए। वो वहाँ पर पीए जो होते हैं तो ये लिखते हैं कि इस मंत्रालय को ये तो एक मंत्रालय में 2016 में लोग गलती प्रारंभिक स्टेटी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की है, नेपाल ने नाम नहीं दिया। ये
तहसील कैंपियरगंज में ये सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। बाढ़ पीड़ितों का, जिनका मकान ध्वस्त हुआ, जिनका मकान गिरा हुआ है, उनको पैसा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला मकान का। जिसका नहीं गिरा हुआ है, जिसके घर में पानी नहीं गया, उसको 195,100 रुपये दे दिया गया। और 18 लोग ऐसे अपात्र पाए गए हैं जिनकी शिकायत सभी से किया जा रहा है। सभी अधिकारी, कोई अधिकारी का सुनता नहीं है। पहली बार तो बहुत आराम से बात करते हैं, दूसरी बार जब हम जाते हैं बुलाते हैं वो डांट करके भगा दिया जाता है जी। डीएम साहब से मिले, सभी अधिकारियों से। आज हमको पता चला पेपर के माध्यम से कि लोहा तो आ रहा है, वहाँ टीम है, यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या होता है। इसके बाद शिकायत दर्ज कराया गया, उनसे रिसीविंग भी लिया गया है, हमारे पास सभी प्रमाण पत्र भी हैं। समस्या ऐसा है भैया कि हम लोगों का एक टेंडर निकाला गया था जो 24 तारीख को ऑनलाइन डालना था डूडा द्वारा शहर में इंटरलॉकिंग नाली और सीसी रोड के लिए। लगभग 18 करोड़ से 19 करोड़ के लगभग का वर्क निकाला गया था, जिसमें किया ये गया है कि पूरे टेंडर प्रक्रिया में शुरू से लेके अंत तक भ्रष्टाचार है। इसमें शासना आदेश से लगायत नियम कानून की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए माननीय परियोजना अधिकारी द्वारा अपने क्रियाकलापों का संचालन अपने कुछ प्रिय ठेकेदार चहेते ठेकेदारों को कार्य देने के लिए उनके द्वारा जो है जिस तरह भी जो भी है वो सारे नियम लगा के अपने हिसाब से वर्किंग की जा रही है। तो हमारा यही निवेदन है कि टेंडर को कैंसिल करते हुए इस पे उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें संबंधित अधिकारी। ये सर 24 तारीख को टेंडर पढ़ना था 6 बजे तक और ऑनलाइन, और 3 ही बजे तक हम लोगों से कहा गया था कि हार्ड कॉपी जमा करा दिया सेम टाइम 24 तारीख में। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि टेंडर में शुरू से लेकर अंत तक किस तरह का भ्रष्टाचार अपनाया गया। हार्ड कॉपी मांगी जाती है ऑनलाइन खोल देने के बाद जिसका रेट लोवेस्ट होता है उसके बाद उनकी हार्ड कॉपी मंगाई जाती है। अगर ऑफिस में अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उनके ठेकेदार द्वारा मंगाई जाती है। मंगाने के बाद सारा क्रिया किया, और इन्होंने श्रीमान जी ने क्या किया कि हार्ड कॉपी सेम डे यानी 24 तारीख को ऑनलाइन होनी है 6 बजे तक, और उन्होंने 3 बजे तक ही हार्ड कॉपी ऑफिस में जमा करवा लिया। और उसको टेंडर होने के पहले अभी ऑनलाइन 6 तक होनी है और 3 बजे तक ही मांग लिए और सबके द्वारा जमा करा दिया गया। जमा करने के बाद क्या किया, उनको 25 तारीख को पुनः निविदा को ओपन करना था, उन्होंने ओपन न करते हुए पहले हार्ड कॉपियों को खुलवाना शुरू कर दिया, और हार्ड कॉपी खुलवाने के बाद उन्होंने क्या किया ठेकेदारों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वहीं पर 2-4 फर्में उनकी जो चहेते हैं उनको क्या किया गया 10 पर नॉट क्वालिफाइड 10 पर क्वालिफाइड कागज़, जबकि एक ही लगनी है सारे टेंडरों में, जो भी ठेकेदार लगाते हैं कागज़ तो एक ही होती है, लेकिन उस पर 10 पर क्वालिफाइड 10 पर नॉन क्वालिफाइड। भैया कागज़ क्या 10 में कोई स्पेशल कागज़ लगाए हुए हैं और 10 में अलग कागज़ लगा हुआ है, ऐसा ही चल रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इसका कायदे से जांच कराई जाए, तब जाके सामने फिगर आएगा, और पीओ सीधे सीधे इसमें गलत काम करवा रहे हैं। लोकायुक्त प्रशासन का कैंप है, 4 सदस्यीय टीम आई हुई है लोकायुक्त प्रशासन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। आम जनता को लोकायुक्त प्रशासन के बारे में मालूम नहीं है कि कौन सी किस प्रकार की शिकायतें परिवार किए जाते हैं, इसलिए लगभग 50-60 शिकायतें आ गई। ग्राम सभा की शिकायतें हैं, बिजली विभाग की शिकायतें हैं, अन्य शिकायतें। जन जागरूकता अभियान ही चल रहा है, एक तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बाकी शिकायत वो अपनी अन्य शिकायतें प्रशासन के मुख्यालय लखनऊ में भेजेंगे। जागरूकता एक माह पिछले एक माह से चल रहा है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में किया जाएगा।